जय मसीह के दोस्तों, आज के स्वर्गीय मन्ना का भाग हमने लिया है यशाया की पुस्तक उसका 30वां अध्याय और उसका 18वां वचन। वचन कहता है, फिर भी यहोवा तुम पर अनुग्रह करने के लिए ठहरा रहता है और स्वर्ग में प्रतीक्षा करता है कि तुम पर दया करे, क्योंकि यहोवा न्यायी परमेश्वर है। क्या ही धन्य है वे सब जो यहोवा की आस लगाए रहते हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर तेरे पवित्र सामर्थ्य नियम के लिए, तेरे वचन के लिए, तेरी सिद्धता के लिए, तेरे प्यार के लिए। दोस्तों, वचन हमें क्या बताता है? वचन बताता है कि परमेश्वर प्रेम है और वो हमसे इतना प्रेम करता है कि वो हमारे लिए ठहरा रहता है कि हम कब आएं और पश्चाताप करें, अपने गुनाहों को माने और हम उससे कहें कि परमेश्वर हमें तेरी ज़रूरत है, हम तेरे बिना कुछ भी नहीं है। अगर तू हमारे जीवन में नहीं है तो हमारी कोई अस्तित्व नहीं है। वो जानता है लेकिन फिर भी चाहता है कि मेरा बच्चा, मेरी बच्ची मुझसे आकर कहे, माफ़ी मांगे जो उसने गुनाह किया है, जो शरीर में रहते उसने पाप किया है, जो मेरे विरुद्ध पाप किया है, उसकी माफ़ी, उसकी क्षमा हमें मांगनी है। दोस्तों, इसीलिए परमेश्वर कहता है, भजन संहिता 34 का 18 कहता है कि यहोवा टूटे हुए मन वालों के निकट रहता है और पश्चातापी आत्मा का उद्धार करता है। आप सोचिए, वो निकट है, आपके निकट है। जब आप टूटा हुआ मन लेते हैं तो परमेश्वर आपके निकट है। बस वो इंतज़ार कर रहा है कि मेरा बच्चा जिसका मन टूट गया है, जिसने पाप किया, जिसने गुनाह किया है, जो पूरी तरीके से अंधकार में डूबा हुआ है, वो मेरी ज्योति को पहचाने, वो मुझे पहचाने और मेरे करीब आए और मेरे चरणों में आए और मुझसे कहे कि यहोवा है, प्रभु है, यीशु, मुझे तेरी ज़रूरत है, मुझे तेरी ज़रूरत है, मैंने पाप किया है, मैंने गुनाह किया है, मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है, मुझे बचा। और जैसे ही हम उसे कहेंगे मुझे बचा, उसी तरीके से उसके पंखों के तले हम अपने आप को महसूस करेंगे कि उसने हमें बचा लिया है। उसके पंखों के तले उसके पंख हमें चारों तरफ से घेर लेंगे और हमें शांति का एहसास होगा, हमें उसकी उपस्थिति का एहसास होगा, हमें चंगाई का एहसास होगा, हमें प्यार का एहसास होगा, हमें एहसास होगा कि परमेश्वर हमारे पास है, हमें एहसास होगा उसकी खुशबू का, हमें एहसास होगा कि वो प्यारा है, वो न्याय है। इसीलिए उसने यीशु मसीह को धरती पर भेजा, इसीलिए उसने यीशु मसीह के पवित्र सामर्थ्य लहू को इस धरती पर बिखेरा, ताकि हम जब विश्वास करें, पश्चाताप करें, तो उसका लहू हमारे जीवन में काम करे। दाऊद ने पाप किया था परमेश्वर के विरुद्ध, बतशेबा के द्वारा जो उसका मिलन था, जो संबंध था, वो पाप था। लेकिन जैसे ही दाऊद को पता लगा कि मैंने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया, जैसे उसने महसूस किया, वो उसी समय उसने नतमस्तक किया और कहा कि परमेश्वर, मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया, मुझे माफ़ कर। परमेश्वर ने उसे माफ़ किया। हालेलुया। दोस्तों, हमारा पिता महान है, हमारा पिता अनुग्रहकारी है। बाइबल कहती है, देखिए वचन क्या कहता है, कि वो अनुग्रह के लिए रुका हुआ है। आपके जीवन में अनुग्रह चाहता है वो। हन्ना जिसकी कोख बंद कर दी गई थी, लेकिन फिर भी परमेश्वर अनुग्रह के लिए, उसके जीवन में अनुग्रह उतारना चाहता था। लेकिन जब हन्ना ने माना, जब हन्ना ने समझा कि मैं परमेश्वर से दूर हूँ, मुझे परमेश्वर के करीब आना है, उसके करीब आना है, मुझे वाचा बांधनी है, मुझे उसके करीब रहना है, तब उसने जब वाचा बांधी तो परमेश्वर का अनुग्रह उसके जीवन में खुला और उसकी कोख आशीषित हुई और उसने शमूएल को जन्म दिया। दोस्तों, हम इस नियम को ना भूलें, क्योंकि जब हमने अगर पाप किया है उसको महसूस करें, अगर हमसे पाप हुआ है तो परमेश्वर पाप को माफ़ करने के लिए तैयार है। लेकिन अगर हम दिल से, संपूर्ण दिल से, मन से उसको स्वीकार करेंगे, अपने पाप को स्वीकार करेंगे और स्वीकार करेंगे कि परमेश्वर महान है और उसकी महिमा हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है, उसकी पवित्रता, उसकी माफ़ी हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है, तब आप उसकी माफ़ी को उसी समय स्वीकार करेंगे, मेरे भाई, मेरी बहन, और आप पूरी तरीके से पवित्र हो जाएंगे, पूरी तरीके से आशीष पाएंगे, पूरी तरीके से सुख पाएंगे। आइए, हम सुबह अगर हमने पाप किया है, प्लीज़ आइए उसके सामने नतमस्तक होते हैं और उससे माफ़ी मांगते हैं, उससे कहते हैं, पिता तो हमारे जीवन में आ और हमें माफ़ कर, हमने जो भी गुनाह किया, जो भी विचार हमारे जीवन में गलत आते हैं, जो भी दृष्टि हमारी गलत है, जो भी हमारे मन में पाप है, उस सब को माफ़ कर और हमें पूरी तरीके से पवित्र कर, ताकि हम तेरे योग्य ठहरे। यीशु मसीह के पवित्र सामर्थ्य नाम से सुनने वाले हर भाई बहन के लिए सुख और चंगाई मांगता हूँ। प्रार्थना आपने सुनी और कबूल की। आमीन, आमीन, आमीन।